नेतृत्व हो चुके केंद्र सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय अमित शाह हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय मणिपुर के बलात्कारियों को फांसी दो फांसी दो मणिपुर के बलात्कारियों को फांसी दो फांसी दो मणिपुर के बलात्कार फांसी दो नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय अमित शाह हाय हाय अमित शाह हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय मणिपुर के गुनाहगारों को फांसी दो फांसी दो मणिपुर के गुनाहगारों को फांसी दो फांसी दो मणिपुर हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय अमित शाह हाय हाय अमित शाह हाय हाय अमित शाह हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय फांसी दो फांसी दो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो गृह मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो केंद्र सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय एनडीए गवर्नमेंट हाय हाय एनडीए गवर्नमेंट हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय इस्तीफे की मांग की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार पिछले दो महीने से जो है मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे हमारी जो स्त्रियां हैं उनको नंगन अवस्था में घुमाया जा रहा है। लेकिन ये सरकार महाभारत में जिस प्रकार धृतराष्ट्र अपनी गद्दी पे बैठा हुआ था और सारा कृत्य होता देख रहा था, उसी प्रकार ये सरकार वो है जो है वो गद्दी पे धृतराष्ट्र की तरह बैठी हुई है। और इस सरकार की जो महिला सांसदें हैं, जब महिला कार्यकर्ताएं हैं, वो गंगारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध के बड़े बेशर्मी के बयान दे रही हैं कि आप राजस्थान में देखिए हुआ तब कांग्रेस क्यों नहीं बोली, वहां पे हुआ कांग्रेस क्यों नहीं बोली। कांग्रेस हमेशा बोलती है, कांग्रेस ने उन दोषियों को सलाखों के पीछे भी डाला। और मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ इन चमचों से, इन अंधभक्तों से, कि मेरे को ये बताओ कि आप राजस्थान की बात करते हो, राजस्थान पिछले तीन महीनों से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी हुई है। जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा ही ना हो। पार्लियामेंट में हमारे तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि अपना इस पे बयान दें कि मणिपुर में जो तीन महीने से जो नंगा नाच हो रहा है उस चुप्पी तोड़े। प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे, उसी के खिलाफ जनरल रोष आज उभरा हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और खासकर वहाँ पर बहु बेटियों को नगन घुमाया गया और लोकतंत्र को शर्मिंदा किया गया। और पूरे हिंदुस्तान की पूरे विश्व में आज जो बेइज्जती हो रही है, शायद नरेंद्र मोदी ने अभी भी आंखें मूंदी हुई है। और इसीलिए केंद्र सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जो आदमी देश चलाने के लायक ना हो। हम तमाम लोगों से तो तमाम आवाम से कहेंगे कि कहीं आप जिस भी गली मोहल्ले में रहते हैं, जिस हमारी बच्चियों का वहाँ पे जो बलात्कार हुआ मणिपुर में, जो वहाँ पे हिंसा हुई, जो वहाँ पे लोग मारे गए, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उसके लिए जिम्मेवार हैं। उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। अगर उनमें एक पैसे की भी नैतिकता बची हुई है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम सब यही गुहार करते हैं कि अभी भी समय है, हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाना पड़ेगा। और वो तमाम शक्तियाँ इस हिंदुस्तान का भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम सिख एकता को देखना चाहती हैं और लॉ एंड ऑर्डर जो मुल्क को समझ सके, वो गठबंधन इंडिया बन चुका है। और इसी के लिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री को संसद के पटल पे अपना जवाब देना चाहिए। और जितनी हिंसा हुई है, हम बलात्कारियों को कहते हैं कि बलात्कारियों को सीधा ही फांसी दिया जाए ना किसी ट्रायल के, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा दुस्साहस ना करे और हिंदुस्तान की ऐसी बेइज्जती